होड़ल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पलवल जिला परिषद के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में कटौती करने के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और भाजपा नेताओं पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत दो वार्डों में कटौती कर दलितों के हकों पर कुठारघात किया है। पूर्व विधायक उदय भान ने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कृष्ण पाल गुर्जर व होड़ल विधायक जगदीश नायर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत संवैधानिक अधिकारों का हनन कर जिला परिषद पलवल के अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों की संख्या में कटौती की गई है। सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से यह कार्य किया। सरकार की मंशा आरक्षण को समाप्त करने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का जिला परिषद सीटों का आरक्षण पूर्ण करने की मांग को लेकर दलित समुदाय के लोग एकजुट होकर पलवल में 11 तारीख को एक मीटिंग करेंगे और जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। फिलहाल जो अनुसूचित जाति के नेता भाजपा में है उन्हें पार्टी छोड़कर इस प्रदर्शन में दलितों को न्याय दिलाने के लिए एक साथ आना चाहिए। यदि सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हाईकोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग करेंगे और जिन लोगों ने साजिश के तहत दलित विरोधी कार्य किया उन्हें कोर्ट में पार्टी बनाई जाएगी। तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से जिला परिषद के चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए, उसमें शेड्यूल कास्ट कोटा के अनुसूचित जाति के 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 2016 में जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो उस समय 5 वार्ड आरक्षित किए गए थे। जैसे आपको पता है कि वार्ड नंबर 1 था, 18 था, 20 था, 14 था, एक तो आशावती थी दूधवाला वाली, एक जलाके वाली थी, एक बिंदु प्रबोलिया थी तिलक वाली, एक अतरचटा वाली थी और एक चमेली देवी सोलंकी थी। देवघर से 5 वार्ड आरक्षित थे और अब इन्होंने अचानक जो अभी इससे पहले फरवरी में भी इन्होंने जनवरी में भी ड्रॉ निकाला था, उस समय फरवरी मार्च में चुनाव की संभावना थी, उस समय भी 5 निकाले थे, उस समय भी 5 निकाले थे, उसके बाद कोरोना की वजह से ये आगे को बढ़ गए। अब इन्होंने निकाले वो 3 निकाले, तो हमें डीसी साहब से अभी मिले, हमने उनसे कहा है कि हमारे पलवल जिले के साथ ही आरक्षण में छेड़छाड़ क्यों हुई है। मेरे पास पूरे प्रदेश के हैं आंकड़े, वो भी हम अभी फोटो स्टेट कराने गए, अभी आपको देंगे। हर जिले के किसी भी रिजर्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, केवल और केवल पलवल जिले के साथ ही छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को ये नोटिस आया था, मैंने देखा था, मैंने बताया उनको बल्कि 15 अप्रैल 2021 को जो अमित झा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट का है, उन्होंने निकाला, उसमें सारे जिलों के आरक्षण का वो दिया था, उसमें पलवल जिले का 3 सीट कर दी 5 की जगह। और इससे पहले 2015 का नोटिफिकेशन है नवराज संधू का, उसमें 5 सीट थी। तो हमने कहा ऐसी क्या परिस्थितियां हुई 2016 के बाद में कि क्या शेड्यूल कास्ट की आबादी इस 5 साल में कम हुई है? ऐसा कोई हमारे नोटिस में नहीं है कि यहाँ से कोई अनुसूचित जाति के लोग शेड्यूल कास्ट लोग कहीं पलायन कर गए हों दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेश में। तो फिर आखिर कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई है? मेरे पास सभी जिलों के आंकड़े हैं, अभी आपको देंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मैं सारे एक एक करके वो सारे देखें, सब यहाँ पर हुई है। इसके पीछे क्या साजिश है? क्या यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है कृष्ण पाल, क्या उसकी साजिश है? क्या उस आरक्षण के खिलाफ क्यों इस तरह की यहाँ पर हो रही है? और मुझे लगता है कि पहले नगर निगम में भी ऐसा हुआ कि यहाँ कोई भी उन्हें नहीं मिला, एक गैर दलित को
फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसको जबरदस्ती मेयर बना दिया था। और यहाँ पर भी फतेहाबाद से ला करके जो यहाँ की कोई यहाँ पर मेंबर भी नहीं थी उसको दीघौट में वोट डलवा करके उसको पार्षद जितवा करके और उसको चेयरमैन बनवा दिया। तो ऐसा लगता है कि दलित विरोध की आरक्षण विरोध की एक जबरदस्त जो मन में जो भाव है वो उजागर करता है। और यहाँ का जो हमारे जिले में एक रिजर्व सीट है उसका तो विधायक जो हमारा है हमें शर्म आती है ऐसे नपुंसक विधायक के लिए कि वो अपने कोई आवाज ना विधानसभा में उठा सकता है ना सरकार के सामने रख सकता है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी कोई बात रख सकता है कि भी क्यों दलित समाज के आरक्षण के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसकी जो है हम तीव्र सरकार की भर्त्सना करते हैं। डीसी साहब का कहना है कि हमने तो ऊपर के आदेश की पालना की है, तो वो ऊपर का आदेश क्यों दिया गया है और जिलों में तो नहीं है यहाँ पर ही क्यों दिया गया है। तो उसके लिए जो है हमने आज आपको कष्ट दिया है कि जो ना ये हमारे पूरे गरीब समाज के साथ दलित समाज के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। कोई भी बने, पांच सीटें आरक्षित थी और पांच सीटें ही होनी चाहिए ये हमारी मांग है। मीडिया के माध्यम से भी आज उनसे कहा है, अभी हमारी संस्था अभी तय करेगी शायद 11 तारीख को मीटिंग 11 तारीख को हम मीटिंग बुला रहे हैं पूरे जिले की और उसके बाद हम 11 तारीख को तय करेंगे बड़ा विशाल प्रदर्शन हम इस पर जिला हेडक्वार्टर पर करेंगे और साथ ही हम हाईकोर्ट में भी अपने न्याय की गुहार करेंगे। हाईकोर्ट में भी हम केस डालेंगे साथ के साथ ही कि भी क्यों और उसमें हम सीधा जो अमित झा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत डिपार्टमेंट उसको भी चीफ मिनिस्टर को भी और पंचायत मंत्री जो डिप्टी सी एम है दुष्यंत चौटाला और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको और डायरेक्टर पंचायत को इनको हम सब पार्टी बनाएंगे। इनको पार्टी बना करके इसमें हाईकोर्ट में भी हम केस डालेंगे।